आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट एक बड़े इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करने भी बैठे हैं और जनता तक अपने कुछ संदेश भी पहुंचाना चाहेंगे। ये एक नया दौर शुरू हुआ है जीएमसी जम्मू में ऑर्गेन ट्रांसप्लांटेशन का, सॉलिड ऑर्गेन टिश्यू ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन यहाँ पे सितंबर 2019 में एस्टेब्लिश हुई थी और काफ़ी सारी उसमें रेगुलेटरी नॉर्म्स थे। डॉक्टर्स ने काफ़ी मेहनत की, हमारे यहाँ नोडल ऑफिसर HOD यूरोलॉजी डॉक्टर इलियास शर्मा है और सुपर स्पेशलिटी के सुपरिंटेंडेंट डॉक्टर मनोज चल्होत्रा और जॉइंट डायरेक्टर सोटो हमारे डॉक्टर संजीव पुरी हैं जो ऑप्थल्मोलॉजिस्ट हैं। नेफ्रोलॉजी डिपार्टमेंट के जो चीफ नेफ्रोलॉजिस्ट जिन्होंने इस पर सारी मेहनत की वो डॉक्टर राजू भंडारी हैं। ये नाम लेने इसलिए ज़रूरी थे और इनके साथ बहुत सारे सपोर्टिंग डिपार्टमेंट्स जिसमें रेडियो डायग्नोसिस, जिसमें लेबॉरेटरी डिवीज़न के सारे डिपार्टमेंट्स, माइक्रोबायोलॉजी, पैथोलॉजी, बायोकेमिस्ट्री, ब्लड बैंकिंग, सारे डिपार्टमेंट्स, सबसे ज़रूरी एनेस्थीजिया डिपार्टमेंट जो हमारा इंटेंसिविस्ट्स का डिपार्टमेंट है। तो ये एक बेहतरीन नमूना पेश हुआ और काफ़ी सफल हमारा ये कार्यक्रम रहा ऑर्गेन ट्रांसप्लांट्स का, क्योंकि इसमें मल्टी डिसिप्लिनरी कोऑर्डिनेशन एक बहुत ज़्यादा रिक्वायर्ड थी और वो हुई भी कोऑर्डिनेशन और 13 के 13 सक्सेसफुल रीनल ट्रांसप्लांट्स रहे। सारे मरीज बिल्कुल अच्छे से डिस्चार्ज हुए और बिल्कुल जैसा पोस्ट रीनल ट्रांसप्लांट होना चाहिए रिजल्ट्स वैसे रहे भी। तो इसमें दो चीज़ें हैं, एक तो कि ये हमारे ही घर में आयुष्मान भारत के रहते बिल्कुल मुफ्त इलाज हमारे शहरी अपने ही घर में करवा पाए। आजकल हम देख रहे हैं कि क्रॉनिक रीनल डिजीज़ या क्रॉनिक किडनी डिजीज़ या CKD बहुत सारे कारणों से उभर के आ रही है। तकरीबन 50 मरीज हमारे यहाँ रोज़ डायलिसिस करवाते हैं। देखा गया पिछले साल में 12,500 डायलिसिस हुए और अभी भी हमारे पास रजिस्टर्ड मरीज़ कोई 50 हैं जिनका किडनी ट्रांसप्लांट किया जा सकता है। हमने शुरुआत कर दी लाइव डोनर्स के साथ, इनके सगे संबंधी, इनकी माताएं या पिता या सगे संबंधी जो ट्रांसप्लांट के लिए किडनी डोनेट कर सकते थे और चाहते भी थे उन्होंने की और हमने, हमारे यहाँ जो काबिल टीम है उन्होंने ये ट्रांसप्लांट्स किए। अब ज़रूरत है जागरूकता की एक और नई तरफ, वो जागरूकता है ऑर्गेन डोनेशंस की, डिजीज्ड ऑर्गेन डोनेशन। जैसे बहुत सारे अनफॉर्चुनेटली रोड ट्रैफिक एक्सीडेंट की वजह से या कुछ ऐसे हादसे हो जाते हैं, सेरिब्रोवैस्कुलर एक्सीडेंट्स, कि कोई लोग ब्रेन डेड होते हैं, यानी ब्रेन डेथ हो चुकी है लेकिन वो पोटेंशियल डोनर है, वो बहुत सारे ऑर्गेन्स उनके 2 किडनीज 2 लंग्स हार्ट लिवर बहुत सारे पैनक्रियाज स्मॉल गट और बहुत सारे टिश्यूज़ और कॉर्निया, जैसे कई लोग देख नहीं सकते हैं तो केराटोप्लास्टी के लिए कॉर्निया डोनेट कर सकते हैं। ये जागरूकता की हमारे यहाँ देखा गया है कि उत्तरी भारत में सप्लाई डिमांड गैप बहुत ज़्यादा है। भारत में अगर 2 लाख किडनीज हमें एनुअली चाहिए होती हैं तो कोई 7,000 किडनीज ही ट्रांसप्लांट हो रही हैं, बाकी के लोगों के लिए किडनीज अवेलेबल नहीं हैं। अभी पिछले दिनों प्रधानमंत्री जी मोदी जी की मन की बात जो कार्यक्रम है उससे हमें पता चला कि सबसे छोटा जो डोनर है वो चंडीगढ़ में 39 ईयर्स का बच्ची एक जो 39 साल की थी सिर्फ, और क्योंकि उसको ब्रेन ट्यूमर था वो 39 डेज की वो बच्ची थी, 39 दिन की थी सिर्फ वो, और कोई ऐसे कंजेनाइटल डिफेक्ट से पैदा हुई थी कि वो जी नहीं सकती थी। उसको 39 दिन में 2 बार कुछ हृदय गति रुक गई, तो 2 जिंदगियां वो बच्ची, उसके माता पिता ने भी बहुत ये अच्छा उदाहरण पेश किया और उसने जाते जाते 2 जिंदगियां बचा दी उस बच्ची ने। तो बहुत आप बढ़ चढ़ कर ये जो सब्जेक्ट है इस पर अवेयरनेस हो रही है। हम सब ने भी प्लेज फॉर्म्स भरे हैं कि जो हमारे मॉर्टल रिमेन्स, इमॉर्टल रिमेन्स भी में से भी कुछ अगर ऑर्गेन्स जो हैं वो लिए जा सकें और वो बाद ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी चलती रहे उन ऑर्गेन्स की वजह से, तो
तो वो बिल्कुल यहाँ पे भी शुरुआत कर दी गई है ऐसी अवेयरनेस एक्टिविटीज़। बहुत सारी प्लेज फॉर्म्स भी कोई 1400 हमारे यहाँ भर लिए गए, जम्मू में भी हो रही हैं ऐसी अवेयरनेस एक्टिविटीज़। सोटो ही कर रहा है, और हमारे यहाँ भी इमरजेंसी में या देखा जाता है कि 6 से 20 मौतें हमारी इमरजेंसी में, अनफॉर्चुनेटली यहाँ का ये इकलौता बड़ा हॉस्पिटल है टर्शरी केयर, तो होती हैं वहाँ पे। हर कोई अपनी कॉर्निया डोनेट कर सकता है खासकर, और कॉर्निया डोनेट करने में डेथ के 24 घंटे के बाद भी ये डिसीजन लिया जा सकता है। तो जो लोग देख नहीं सकते, ये केराटोप्लास्टी से बहुत सारे लोग, एक लंबी वेटिंग लिस्ट है केराटोप्लास्टी के लिए भी, जितने कॉर्नियाज चाहिए 1/4 ही मिलते हैं, 3/4 अभी मिल नहीं रहे। तो ये बहुत जानने की ज़रूरत भी है। हम अपने सारे रिसोर्सेज को एक बार फिर कोऑर्डिनेट कर रहे हैं, हमारे वहाँ सोशल वर्कर्स, ट्रांसप्लांट कोऑर्डिनेटर्स, ब्रेन डेथ कमेटीज़ पूरी रजिस्टर्ड हैं, डायरेक्टरेट जनरल ऑफ हेल्थ सर्विसेज जो सेंट्रल गवर्नमेंट के अंडर हमारी ये रजिस्टर्ड सोटो जो है, ये एज़ पर सेट प्रोटोकॉल SOPs इसकी पूरी निश्चित है। और सारे एरियाज जो स्ट्रेंथन करने की ज़रूरत है, जिसमें हमारी ब्रेन डेथ डिक्लेरेशन कमेटीज़ हैं, कौन डॉक्टर्स हैं जो ब्रेन डेथ डिक्लेयर कर सकते हैं, उसके बाद कुछ टेस्ट होते हैं, कौन पोटेंशियल डोनर्स हो सकते हैं, इस पे हमने काम शुरू कर दिया। एक बहुत बड़ी हम एक्सरसाइज करने जा रहे हैं जिस पे मीटिंग्स हो चुकी हैं, वो भी एक कोऑर्डिनेशन एक्टिविटी होने वाली है, जिसमें हमारे डॉक्टर्स अगर कोई पोटेंशियल डोनर हो, इमीडिएटली नेशनल ऑर्गेन ट्रांसप्लांट ऑर्गेनाइजेशन जो है उसको इन्फॉर्म करेंगे। तो हम यहाँ पे हार्ट ट्रांसप्लांट नहीं करते अभी, लीवर ट्रांसप्लांट नहीं करते, आस्ता आस्ता उस तरफ भी जाएंगे। हम यहाँ पे अभी लंग्स नहीं ट्रांसप्लांट करते, कोविड में बहुत सारे लंग्स फेल हो गए। तो वो नोटो के जो टीम्स हैं, जिस जिस सेंटर में जो जो प्रोसीजर होता है, वो रिट्रीव करने आ जाती हैं हमारे यहाँ, किसी भी ब्रेन डेड से वो ऑर्गेन्स को रिट्रीव करने आ जाती हैं। तो जल्दी ही हम एक ग्रीन कॉरिडोर की एक्सरसाइज करने जा रहे हैं, जैसे हर ऑर्गेन कितनी देर तक वायबल रह सकता है, हार्ट 4 से 6 घंटे में जिधर ट्रांसप्लांट होना है पहुँच जाना चाहिए, किडनीज 16-18 घंटे में पहुँच जानी चाहिए, लीवर ऐसे पहुँच जाना चाहिए। तो ये इस पर भी एक एक्सरसाइज, जिसमें ट्रैफिक पुलिस, हमारी लोकल पुलिस, यहाँ की एयरपोर्ट अथॉरिटीज़, हम सारे, हमारे यहाँ के नोडल ऑफिसर, सुपरिंटेंडेंट्स, हमारे जो सर्जन्स हैं, हमारे इंटेंसिविस्ट हैं, ये ऐसी तैयारियाँ हम कर चुके हैं, और जल्दी ही हम कुछ मॉक एक्सरसाइजेज करेंगे और इस काबिल बन जाएंगे कि जब तक हम हर ऑर्गेन की ट्रांसप्लांटेशन नहीं भी शुरू कर सकते, तब तक जिन सेंटर्स में ये ऑर्गेन ट्रांसप्लांट्स हो रहे हैं, जिधर हार्ट ट्रांसप्लांट हो रहा है, तो वहाँ तक हम हार्ट्स पहुँचा सकें, ताकि ये सप्लाई डिमांड गैप कम हो जाए। शशि मैम, अगर कोई अपना ऑर्गन डोनेट करना चाहता है तो वो कैसे अपने आप को रजिस्टर करवा सकता है? ये तो आप प्लेज फॉर्म्स हर कोई भर सकते हैं, हमने भी भरे हैं कि कभी कोई ऐसा हो तो, और सगे संबंधी और ऑर्गेन्स अपने नियर्स एंड डियर्स को, उसका एक पूरा प्रोसीजर है। ये सॉटो में जो एक्सपर्ट्स हैं, आप इनसे बात करिए, मिलिए। कुछ लोगों ने अपनी बॉडीज डोनेट की है कि हमारे क्या जनरल पब्लिक को इस पूरी अवेयरनेस मतलब देने के लिए कोई कैंप्स वगैरह लगाए जा रहे हैं, या कोई शेड्यूल ऐसा बनाया जा रहा है जिससे जनरल पब्लिक में ये अवेयरनेस क्या है कि किस तरह का काम शुरू हो चुका है? बहुत सारी जैसे हमारी टीम्स यहाँ से जाती हैं एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस में, कोई पोस्टर कॉम्पिटिशन्स, कोई ऐसे कॉम्पिटिशन्स, जागरूकता के लिए कोई 140 तक एक्टिविटीज़ हो चुकी हैं, और दे आर ट्राइंग टू रीच आउट टू जनरल पब्लिक। और आज हम आप सबके आभारी भी हैं कि आपके माध्यम से भी, कि जिंदगी के बाद भी जिंदगी चलती रहती है, ये इससे बड़ा महादान मान के चलिए कि जीते जीते रक्तदान और मरणोपरांत अंगदान, ये ऐसे अगर ये घर घर मैसेज पहुंच जाए, और इतनी सारी एग्जांपल्स हैं, और ये 39 साल की बच्ची जिसके अंगदान हुए, उनके माता पिता का क्या सेटिस्फेक्शन लेवल था कि उनको लगा कि उनकी बच्ची अभी भी जिंदा है, दो लोगों को वो जिंदगी दे गई। ऐसे ही एम्स में
मन की बात में ही प्रधानमंत्री जी 65 साल की एक ऑर्गन डोनर जो रही इलाज के लिए आई थी पर वो ब्रेन डेड डिक्लेयर हो गई, तो वो कितने सारे ऑर्गन्स 6 लोगों को वो अपने अंग दे गई और उनके परिवार ने भी एक अलग ही, उनके पति ने, बच्चों ने उनके इतने महान कार्य पे इतनी तसल्ली जताई। तो ये एक बहुत तसल्ली का काम है और जागरूकता इसके ऊपर शायद कम है, नहीं तो और जैसे मैंने आपको बोला कि एमरजेंसी में 6 से 20 तक अनफॉर्चुनेट डेथ्स होती हैं और जो वो सारे पोटेंशियल डोनर्स हैं, तो ये हमारा जो नेचुरल तरीका है सप्लाई डिमांड गैप का, क्योंकि अब आप देख रहे हो कि लीवर फेल हो गया, किडनी फेल हो गई, हार्ट फेल हो गया, लंग्स फेल हो गए, तो जो फेल्ड ऑर्गन है उनके लिए रेमिडी यही रहती है कि उनका ऑर्गन ट्रांसप्लांट करके ही फिर से पुनर्जीवन मिल सकता है। मैम एक सवाल है, क्योंकि ये लोगों की जिंदगियों से बहुत महत्वपूर्ण है सवाल, मौजूदा समय की बात करें तो चंडीगढ़ या दिल्ली के लिए जम्मू से लोग और दूर दराज गाँव से जो है लोग वहाँ की तरफ भागते हैं, जाहिर सी बात है इलाज के लिए तो खर्च आता ही है, लेकिन ट्रैवल और वहाँ पर रहने का भी बड़ी समस्या है। पीजीआई की खुद की हालत मैंने देखी कि लोग बाहर ग्राउंड में टेंट लगा के रहते हैं, तो आपको लगता है कि जम्मू में अगर हम बात यहाँ के अस्पतालों की करें तो आपके लिए कितना चैलेंजिंग है यहाँ के लोगों में विश्वास दिलाना कि जम्मू सुपर स्पेशलिटी हॉस्पिटल या जीएमसी चंडीगढ़ पीजीआई की भी एक समय में बराबरी कर सकता है, क्योंकि विश्वास की बहुत ज्यादा कमी लोगों में। देखिए एक बार शुरुआत हुई, ये 13 लोग जिन्होंने यहाँ पे इलाज करवाया, ऑर्गन ट्रांसप्लांट्स कराए, तो ये विश्वास की शुरुआत हो चुकी है और यही अब पूरी सोसाइटी में मैसेज ऑलरेडी जा चुका है और बहुत सारे लोग हमारे पास रजिस्टर हो चुके हैं, कुछ तो के तो लाइव डोनर्स हैं जो प्रोसेस हो चुकी हैं फाइल्स हमारी और हम तैयार हैं बिल्कुल, कुछ के स्वैप डोनेशन नाम की चीज़ की आपस में अगर उनके टिश्यूज मैच नहीं करते तो एक का टिश्यू दूसरे किसी को काम आ जाता है और उनका टिश्यू इनको काम आ जाता है, स्वैप डोनेशन। और कुछ कैडेवरी जैसे कि किनके घर में, किसी घर में कोई डोनर होता ही नहीं है तो उनके लिए हम देख रहे हैं कि कोई ब्रेन डेड जैसे ये रिसोर्स हमारा एक्टिवेट हो जाए। ट्रांसप्लांटेशन का जो सक्सेस रेट है आपकी तरफ से, आप कितना लोगों को आश्वस्त करेंगे इस बात से? देखिए ये तो हमारा तो ये बिल्कुल इसको एज पर नेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स या इंटरनेशनल रेफरेंस स्टैंडर्ड्स जितना वहाँ पे है उतना ही यहाँ पे है, बेस्ट पॉसिबल। आपने ग्रीन कॉरिडोर मॉकड्रिल की बात की, इसमें कई डिपार्टमेंट्स की पार्टिसिपेशन हुई है, कितना अश्योरेंस है उन डिपार्टमेंट्स की तरफ से आपको ताकि आप ये जो ग्रीन कॉरिडोर बनाने जा रही है ये मॉकड्रिल के बाद भी अगर कोई जरूरत पड़ती है तो कहीं सक्सेसफुल हो सके? मुझे बड़ा गर्व है ये बताने में कि जितने सीरियस हम हैं इस प्रोग्राम को लेके उतनी ही सीरियसनेस उन सारे स्टेक होल्डर्स ने भी बताई, पुलिस ने भी बताई, फॉरेंसिक डिपार्टमेंट ने भी बताई, एयरपोर्ट अथॉरिटीज़ ने भी बताई, उन्होंने इस मैटर की सीरियसनेस को समझा और बिल्कुल प्रोएक्टिवली उन्होंने अपने अपने घर में अपने अपने पार्ट की ड्रिल्स भी कर ली हैं और हम जल्दी ही उन पार्ट्स को जोड़ के एक दो मॉक ड्रिल्स करके वील गेट स्टार्टेड ऑन दिस। थैंक यू।